शाहिद, ओ हारिस, ओ पाकिस्तान। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पाकिस्तान की जुझारू टीम ने, पाकिस्तान की नई टीम ने, पाकिस्तान 2.0 ने रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को, रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया है। ना ही सिर्फ बचाया है, पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा कर दिया है भाई। और वर्ल्ड क्रिकेट में अब कह सकते हैं, अब फाइनली ये बात बोली जा सकती है कि पाकिस्तान इज डेफिनेट। 2-1 से सीरीज जीत ली, सीरीज जीती नहीं बल्कि रौंदा है दोनों के दोनों मैचेस में, वन साइडेड मारा ऑस्ट्रेलिया को। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा खड़े होकर तालियां बजाइए। मैं तो कह रहा हूं ऐसी जैसे परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद, सबसे हारने के बाद, खत्म होने के बाद, दफन होने के बाद कफन में से उठी है और उठ के अल्ले प्लेयर बन चुकी है। 22 साल बाद पाकिस्तान की इस जीत पर वो लोग भी जश्न मनाते दिखाई दिए जो कि हर वक्त पाकिस्तान पर तनकीद करते थे। अब तो बाज़ लोग तो गायब ही हो चुके हैं, जिनमें सो कॉल्ड चंद पाकिस्तानी सहाफी भी मौजूद हैं जो कि मोहम्मद रिजवान पर खासकर सबसे ज्यादा तनकीद करते थे। उसे शबराती तक का लकब दिया जाता था कि ये तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहता है, इसे किसी मस्जिद में इमाम बनाओ, इसे क्या पता क्रिकेट खेलने का। लेकिन 22 साल बाद वो जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो रिजवान ने किया है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त जश्न है बल्कि उन भारतीयों को भी उसने नाचने पर मजबूर कर दिया है जो कि हर वक्त पाकिस्तान पर तनकीद ही तनकीद किया करते थे। क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, उन्हीं की जुबानी किस तरह नाचते भंगड़े गाते। क्योंकि इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सामना भारत के साथ और उन्होंने वहां पर एक तगड़े मुकाबले खेलने हैं। और ये जो मोरल डाउन हुआ ऑस्ट्रेलिया का, इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को भी पहुंचने वाला है। ओ शाहिद, ओ हारिस, ओ पाकिस्तान, इतिहास 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 बना दिया यार। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पाकिस्तान की जुझारू टीम ने, पाकिस्तान की नई टीम ने, पाकिस्तान 2.0 ने रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच हारने के बाद 2-1 से सीरीज जीत ली। सीरीज जीती नहीं बल्कि रौंदा है दोनों के दोनों मैचेस में, वन साइडेड मारा ऑस्ट्रेलिया को। चाहे ऑस्ट्रेलिया की ए टीम हो, चाहे बी टीम हो, चाहे सी टीम हो, चाहे डी टीम हो, मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा खड़े होकर तालियां बजाइए। मैं तो कह रहा हूं ऐसी जैसे परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। और बाय द वे एक बात जरूर सच है कि रिजवान इज मच 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 बेटर देन बाबर आजम, नो डाउट, मच बेटर देन बाबर आजम। क्योंकि देखो इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है ना वो गेम को मार देती है, गेम को मार देती है, गला घोट देती है। लेकिन रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट को बचाया है, ना ही सिर्फ बचाया है, पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा कर दिया है भाई। और वर्ल्ड क्रिकेट में अब कह सकते हैं, अब फाइनली ये बात बोली जा सकती है कि पाकिस्तान इज डेफिनेट। पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद, सबसे हारने के बाद, खत्म होने के बाद, दफन होने के बाद कफन में से उठी है और उठ के अल्ले प्लेयर बन चुकी है भाई साहब। इतना गंदा मारा है, इतना गंदा मारा है, जिज्जत कर दिया। जिस पाकिस्तान की टीम को दुनिया ने मार मार के दफना दिया था, ताबूत में पैक कर दिया था, मतलब आग लगा दी थी जिस पाकिस्तान की टीम को हर किसी ने, बहुत अच्छी वो टीम आज ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को मार के आई है। और ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा इस बार के भाई किसी सी टीम को या किसी डी टीम को पकड़ा। पहले गेम में ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड थी, दूसरे गेम में जो गेम ये जीते ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड थी, तीसरे गेम में आप देख लीजिए भैया अब ऑस्ट्रेलिया खेलना ही बिल्कुल नहीं चाहे। और ये होता है यार जेसन गिल्स्पी इफेक्ट, अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन को अपने अपने खेमे में लाओगे, किसी ऑस्ट्रेलियन को अपना कोच बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। आप अपने घर में जो है जो क्रिकेट दफन हो गई थी, इसका जनाजा उठ गया था, वो टीम आज मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब हम खड़े होकर जो है वो इतनी तारीफ कर रहे हैं इस पाकिस्तान की टीम की। और इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई के पहले तो घर में जीते इतने टाइम बाद और उसके बाद बाहर निकल के जीते हैं। किसने सोचा था यार, सोच में छोड़ दो, क्या खुद इन लोगों ने सोचा था रिजवान ने क्या कप्तान बनने के बाद जीत जाएंगे खुशी? रिजवान तो आज दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा खुश आदमी वो होगा कि वो प्रेसिडेंट बने। क्यों? क्योंकि कप्तान बनते ही वो जीता है, उससे भी ज्यादा खुश होगा भाई। 100% कप्तान बनते ही शाहीन आ रहा, दोबारा कप्तान बनते ही बाबर आ रहा, जो कप्तान बनते ही पाकिस्तान के क्रिकेट में हारता रहता है वो कप्तान बनाया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता। पाकिस्तान की टीम ने बाय द वे एक बात सच है यार, देखो पूरी की पूरी दुनिया ने इंक्लूडिंग अस, हमने भी इनको राइट ऑफ कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा बेटर तो अफगानिस्तान की टीम है,
नेपाल की टीम है, दुनिया बांग्लादेश की टीम है, बांग्लादेश इनको व्हाइट वॉश कर देती है और इनका खात्मा कर देती है। इन्होंने सबने इनकी किस्मत लिख दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी रिवाइव नहीं हो सकता, ये खत्म हो चुके हैं, अंदर से ये टीम खत्म हो चुकी है, आपस में इनके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि कभी ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। पर बाबर ने आपका जो रिजवान ने बोला था, बाय द वे रिजवान की बात मुझे अभी भी याद आती है, जब कप्तान बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हमें कोई किंग विंग नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए जो कि मुल्क के लिए खेले, जो कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए भाई 22 साल बाद पाकिस्तान के लिए। और बाय द वे पाकिस्तान की ब्रांच बड़ा पॉइंट जी 22 साल बाद सीरीज जीते हैं, बोल तो चुका हूं भाई, और एक और चीज नो डाउट भाई, दो मैच और पाकिस्तानियों के लिए देखिए कितनी खुशी की बात है कि बाबर आजम मैच को फिनिश कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो बाबर आजम, अच्छा बाय द वे याद रखो कि इमाम उलक ने बताया था बाय द वे कि बाबर आजम जाके बोलते थे इमाम उलक को कि यार मेरे से मैच फिनिश नहीं हो पाता है, मेरे से मैच फिनिश नहीं हो पा रहा है, सारी जो आपके मन में 50 ओवर तक मैच फाइनली बाबर आजम फिनिश हो पा रहे हैं, हम सब खड़े हैं, आप बताइए, बताइए आप ढंग से बताइए, खड़े हो आप जो है वो बताइए, चलिए बताना शुरू कीजिए, देखो जैसी इनकी क्रिकेट चल रही थी काफी टाइम से, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये सोच रहा होगा इस टाइम पे कि पाकिस्तान कोई ऐसा कारनामा कर देगा घर से बाहर जाके, क्रेजी, बट सैल्यूट टू मोहम्मद रिजवान यार, उन्होंने जैसा टर्न अराउंड किया, कप्तान वो अच्छे, नो डाउट कप्तान वो बहुत अच्छे है, लेकिन मतलब आप देखो यार, मुझे जैसा लगता है 40 ओवर का गेम बना के खत्म किया कोबरा, अरे 40 ओवर सच बता रहा हूँ, 40 ओवर छोड़िए, किसी पे किसी से ओडीआई खेले नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप ये पाकिस्तान की बैटिंग देख लें, 42 रन अयूब अब्दुल्ला शफीक, 37 28 बाबर मोहम्मद रिजवान, 30 नाबाद, मैं बैटिंग पे नहीं जा रहा, बोलिंग इनकी मेन है, देखो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को 140 पे रोक लोगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को 160 पे रोक लोगे तो यही बाबर आपको अच्छा लगेगा, यही रिजवान आपको अच्छा लगेगा, यही सैम अयूब रन बनाएगा, चाहे इन पे चांद से खिलवा लो, भाई पाकिस्तान पिछले 3 साल से 2 साल से हार क्यों रहा था, क्योंकि बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, जो शाहीन जो टेपिया ये परफॉर्मेंस पहले दे रहे थे 2021 में 2022 में, जो नसीम ऊपर से विकेट्स लेके देता था पिछले 1-1.5 साल से, वो मिसिंग था इस पाकिस्तानी टीम में, ये बदलाव क्या हुआ है कि बॉलर्स ने विकेट्स लेनी फिर से शुरू कर दी, जो इनका एक प्लान रहता था हमेशा से ही भैया कि हमारे बॉलर जो है हमारे लिए विकेट लेके देंगे, सामने वाली टीम को आउट कर देंगे 200 से नीचे 150 के ऊपर, और यही उनको मैच जितवाता था 2022 तक अगर आप चले जाए भाई, उस टाइम पे बॉलर ऐसी जान मारते थे तो ये हर टूर्नामेंट के फाइनल तक भी जा रहे थे, एशिया कप फाइनल खेल रहे थे, T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे थे, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रहे थे, जैसे ही बॉलर्स ने बेड़ा गर्क करना शुरू किया, जैसे ही बाबर आजम की कप्तानी एक्सपोज होती गई, वैसे ही इनका कचूमर जो है वो बनता रहा, और अब फिर से रिवाइव हुआ है, रिजवान कप्तान बने हैं, नई सोच लेके रिजवान आया है, वहां पर सबको साथ लेके चल रहा है, कोई यहां पर किंग किंग वाला यू नो कोई कल्चर इस टीम में मुझे नहीं लग रहा बचा है।